हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश दही, वो भी मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। दही तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं। जब भी आपने बनाया होगा, किसी सादे सिंपल बर्तन में बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी हलवाई जैसा एक घंटे में दही कैसा जमाएं। फ्रेंड, आप कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं। मैंने अमूल का ताज़ा मिल्क लिया है, आप चाहें तो डेयरी वाला भी मिल्क ले सकते हैं। सो फ्रेंड, दही भी हमें डेयरी वाला ही लेना है, डब्बे का या मॉल का दही नहीं लेना है, और मिट्टी का इस तरह से बर्तन लेना है, और इस तरह से सिल्वर पेपर भी लेना है। अगर आपके घर में मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप सादे सिंपल बर्तन में भी दही जमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं अमूल का ताज़ा मिल्क ऐड कर दूंगी, और इसे हम बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि ये फ़िल्टर किया हुआ मिल्क है, और इसे बिल्कुल गर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बॉयल करने की। इसको हम सिर्फ हल्का सा गर्म करेंगे, लेकिन जो आप डेयरी वाला मिल्क लेंगे तो उसे अच्छी तरह से आप गर्म करें, तभी उसका दही आप जमाएं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैं छोटी छोटी सी टिप्स आपको बताऊँगी उसे फॉलो करके आप इस तरह से दही जमा सकते हैं जैसा मैंने कि आपको दिखाया है। तो यहाँ पर मैं इतना मिल्क गर्म करूँगी कि हमारी उंगली हल्की सी गरम हो जाए, ज़्यादा तेज़ी से मिल्क को नहीं गरम करना है, नीम गरम दूध करना है हमें। तो दूध हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है, क्योंकि हम बॉयल भी नहीं करेंगे, ये फ़िल्टर किया हुआ और पक्का हुआ दूध है, ये ताज़ा दूध रहता है। और यहाँ पर मैंने जो डेयरी वाला दही लिया था वो हम एक से डेढ़ चम्मच ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, तभी हमारा एक घंटे में दही जमेगा। और अगर आप इसे जितनी ज़्यादा गर्मी में रखेंगे, अगर आपके घर में बहुत हीटिंग वाली जगह है वहीं आप इसको रखें, तभी आपका दही अच्छा जमेगा। और विसल से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दही को। तो इस तरह से आप दही एकदम अच्छा और ताज़ा जमा सकते हैं, और बिल्कुल भी पानी इसमें से नहीं निकलेगा। तो अब मैंने जो मिट्टी का बर्तन लिया है उसमें ये मैं मिल्क ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप सिंपल सादे बर्तन में दही को जमा सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बर्तन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं सिल्वर पेपर लगाकर इसे अच्छी तरह से पैक कर दूँगी, कहीं से भी हवा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरह से मैं पैक कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी सिल्वर पेपर को अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से पैक कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है, अब इस कपड़े में हम दही को अच्छी तरह से बंद करके ढक कर रख देंगे। और जितनी भी गर्म जगह आपके घर में है, कहीं पर भी ज़्यादा हीटिंग वाली जगह पे इसे रखें, तभी आपका एक घंटे में दही ज़रूर जम जाएगा। और दही थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करें, और खट्टा दही का इस्तेमाल करें डेयरी वाला। तो हमें इसे रखना है एक घंटे के लिए, उसके बाद हम देखेंगे ये किस तरह से जमा है। तो
तो एक घंटा यहाँ पर हो गया है। अब हम इसे कवर हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा दही जम कर तैयार हुआ है, वो भी मिट्टी के बर्तन में। और मिट्टी के बर्तन में होता ये है कि जो पानी मिल्क में होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपको मैं ये पीसेस निकाल कर दिखाऊंगी चम्मच से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दही बनकर तैयार हुआ है ये। तो देख सकते हैं आप, अगर आपके घर में मैक्रो ओवन है तो उसको उसमें भी ये आप 10 मिनट तक गर्म हीटिंग पर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा दही जम कर तैयार हो चुका है और पानी बिल्कुल भी कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके पीसेस कट करके दिखाऊंगी। तो ये थिकनेस वाला दही यानी कि कतलेदार दही आप किस तरह से जमा सकते हैं तो ज़रूर जमाएं। और रमज़ान स्पेशल आप लोगों के लिए मैं ये दही लेकर आई हूँ, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे लोग दही ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं और ये दही काफ़ी मीठा और काफ़ी टेस्टी था। और आप भी अपने घर में इस रमज़ान एक घंटे में बहुत आसानी से दही जमा सकते हैं। और इस तरह से आप दही की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं या आप लस्सी बना सकते हैं, जिस तरह से चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि कितना पीसेस में दही हमारा निकल रहा है। तो इस तरह से मिट्टी के बर्तन में जमाएं और आप कोई भी अच्छी से अच्छी रेसिपी इसमें बना सकते हैं। आप चाहें तो दही वड़े भी बना सकते हैं, आपको जो चीज़ें पसंद हो उस तरह से इस दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी खाकर। तो ये दही बहुत अच्छा जमा था, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।